हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा ये क्लास है रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 है रसायन शास्त्र का। इससे पहले वाला वीडियो में हमने आप लोगों को कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ाए थे कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, कौन कौन से अपरूप हैं और इनकी संरचना किस प्रकार से होता है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। कार्बन का अपरूप जो है धातु का सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। धातु का अपरूप कौन ज़्यादा कठोर होता है, कौन मुलायम होता है, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। और फ्लोरीन के बारे में बताया था कि इसके बकमिंस्टर ने इसको स्ट्रक्चर तैयार किया था, है ना, इसलिए इसको बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। बकमिंस्टर अमेरिका के रहने वाले थे, ये शिल्पकार थे। क्या थे? शिल्पकार थे, है ना। इन्होंने ही क्या किया था कि कार्बन के फुटबॉल के भांति, फुटबॉल जिस तरह से होता ना उसी के भांति इसको सजा दिए थे, तो उसको बॉल बोला गया। क्या बोला गया? बॉल। इसलिए उनको बोला, उसको बोला जाता है बक्की बॉल। क्या होते हैं? बक्की बॉल में 60 पीस कार्बन होता है। कितने पीस कार्बन होते हैं? 60 पीस कार्बन को बंद गुंबज के रूप में, यानी क्या दिया जाए, गोला के रूप में उसको सजाया गया था, जो फुटबॉल जैसा दिखता था। कैसे दिखता था? ठीक है, इसलिए इसे बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लोग उतना क्वेश्चन याद किए होंगे जो हम कल बताए थे पिछले क्लास में, तो इसमें से एक आध वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो एक आध दो नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए आज का इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का सूत्र। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का सूत्र जो है तीन तरह से तैयार किया गया था। कितने तरीके से? पहला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को तैयार किए थे लुईस पाश्चर ने। किसने? लुईस पाश्चर ने। इसलिए इसको बोला था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा होता है संरचना सूत्र। दूसरा क्या होता है? संरचना सूत्र। और तीसरा होता है त्रिविमीय संरचना। क्या होता है? चलिए हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का सूत्र, संरचना सूत्र जी। कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र हम लोग पढ़ना है ना। देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र जो है वो तीन तरह से होता है। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये एक्चुअली में था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या था? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना था। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर क्या था कि कोई भी यौगिक था उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को सजाए थे लुईस पाश्चर ने। कौन सजाए थे? तो उन्हीं के नाम के सामान के आधार पर इसका नाम दिया गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नाम दिया गया। दूसरा में पढ़ना है संरचना सूत्र। क्या पढ़ना है? तो फिर दूसरा में हम लोग संरचना सूत्र पढ़ेंगे और तीसरा में पढ़ना है त्रिविमीय सूत्र। क्या पढ़ना है? तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है। तो लुईस पाश्चर ने क्या किए थे? इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा सूचित किए थे, बिंदु द्वारा दिखा करके संरचना तैयार किए थे, इसलिए इसको बोला गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे मैं 4 एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर है CH4। क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले दिखा रहे हैं ना, CH4 है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि एक पीस कार्बन है और 4 पीस हाइड्रोजन है। इसको क्या किया गया? उन्होंने लुईस पाश्चर ने इसको सजाना शुरू कर दिया। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा
कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इन्होंने क्या किया, चारों इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा ऐसे दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद 4 पीस हाइड्रोजन है, तो 4 पीस हाइड्रोजन, एक पीस इसके बगल में, एक पीस इसके बगल में, एक पीस इसके बगल में, और एक पीस इसके बगल में सजा दिया इन्होंने। और आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? तो एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे रख दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप लोग सह संयोजक बंधन के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं, पढ़े ना, कि ये वाला को, ये वाला जो यहाँ पर दुगो है इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन भी काउंट करेगा, कार्बन भी काउंट करेगा। और ये वाला जो दोनों देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अपने में काउंट करेगा और ये कार्बन भी अपने में काउंट करता है। ये वाला को भी यही बात है, ये वाला को भी यही बात है ना। तो इसको इस तरह से सजा देना ही क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब इसको घेर दीजिए ऐसे, अगर घेरना चाहते हैं तो हाइड्रोजन काउंट कर ले रहा है पहले, अब यहां से कार्बन उठा से गोले गोले से घेर लिया, और कार्बन कहा कि पूरा मेरा है, दिमागे ना। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और भी बहुत सा है, C2H6। अब इन सबों का नाम हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये सबों का नाम हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ C2, यहाँ दो पीस कार्बन लिए इन्होंने ऐसे, ठीक है। अभी दोनों पीसों कार्बन क्या किया, इस तरह से सजा दिया, और यहाँ पर आगे इस प्रकार से तीन गो, ये वो यहाँ से दिया इसका 1, 2, 3, 4 हो गया ना। कार्बन जो है से इस कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसा थोड़ी है कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों कार्बन ही है। तो एक कार्बन के बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दूसरे कार्बन के भी बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो दोनों, अब क्या है कि 6 पीस हाइड्रोजन से जाना था, देखिए एक पीस यहाँ हाइड्रोजन ले आए, एक पीस यहाँ हाइड्रोजन को 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 ले गए, एक पीस यहाँ हाइड्रोजन को ले गए। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सबको, ये जो बंधन जो बन रहा है इसके बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, सह संयोजक बंधन जो आप लोग पढ़ाए थे उसमें इसको भी समझा दिए थे कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना पार्टनरशिप कर सकता है। मेरे पास यदि 1 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है, तो हमारे साथ तो पार्टनर 1 रुपए का बन सकता है। तू 4 रुपए लगा देगा, हम 1 रुपया लगा देंगे, कहेगा हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। तो उसी तरह से कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको चाहिए भी एक ही गो। अगर 4 को कोई देना भी चाहे, यानी कार्बन देना भी चाहेगा इसको कि चलो 4-4 गो को हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, 4 को तुमको हम दे दे रहे हैं, तो एक ही को मिलाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन पहला ही कक्षा में, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहला ही कक्षा में घूमते हैं, और जो पहला कक्षा में घूमते, तो पहला कक्षा में अधिकतम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए करेगा पार्टनरशिप, तब ने एक का एक और 2 हो जाएगा। तो उसी तरह सब हाइड्रोजन क्या किए कि एक एक इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप कर लिए थे। तो इस प्रकार जो बंधन बनता है उसको सह संयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये एकल सह संयोजक बंधन है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है ना। तो अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन की इस तरह से ये कौन करेगा, हाइड्रोजन ये दोनों को ये कौन करेगा, ये हाइड्रोजन कौन करेगा, ये वाला कौन करेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसको कौन कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसको कौन कर लेगा, ये हाइड्रोजन उठा के इसको कौन कर दिया। अब यहाँ पर बचे कार्बन के 2, तो ये दोनों को ये भी कौन करेगा, और ये दोनों को ये भी कौन करेगा, तो यहां से ये इस तरह से कौन करेगा, ऐसे ऐसे हुआ जी। आप एक मिनट, इसको मैंने जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये वाला उठा से देखिए इस तरह से कौन करेगा, ठीक है ना। तो
ये जो सजाया हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा सजाया गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो बिंदु द्वारा सजाया गया है, बिंदु है ना सब, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु। इसको सजाया कौन था? लुईस पाश्चर ने। कौन? लुईस पाश्चर ने सजाया था। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है आपके बुक में, तो उसको देख लीजिएगा सूत्र को। जैसे मैं आप C4H10 होगा, C4H10 है ना। चलिए यहाँ पर इसको सजाइएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि चार पीस कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया ना। यहाँ पर इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं होगा जी, सबका 4-4 पीस होना गया, सबका 4-4 पीस नहीं, सबका 4-4 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मेरे पास 4 पीस कार्बन था, चारों के पास तो 4-4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखा दी। अब यहाँ करना क्या था कि हाइड्रोजन को इसमें जोड़ना था। क्या करना था? हाइड्रोजन को जोड़ना था, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को भी इसमें सजाना था। तो किस प्रकार सजेगा? देखिए, एक पीस हाइड्रोजन इसके साथ लगाया, एक पीस इसके साथ लगा दे, एक पीस इसके साथ लगाया, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और इस तरह से इन्होंने क्या किया, सजा दिया। कौन कीजिए तो 3 2 5 और 3 2 5 5 बाय 10 कौन है गया। यहाँ पर 10 पीस हाइड्रोजन ले लिए इन्होंने। अब क्या किया है कि इसको सजाना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पार्टनरशिप भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का होगा बाबू। और जब 1-1 इलेक्ट्रॉन का होगा तो ये वाला ई कौन करेगा, ये वाला ये कौन करेगा, ये वाला इसको कौन करेगा, ये कौन कर लेगा इस प्रकार से, यही ना करेगा। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन को सजाया गया है, किसके माध्यम से सजाया है? बिंदु के माध्यम से। इसको और आगे बढ़ा देते थोड़ा सा हल्का अच्छा लगने के लिए। देखिए ये क्या होगा, ये उठेगा से, यहाँ से पूरा इसे उठाएगा और इस तरह से इसे को काउंट करेगा। ये उठेगा से ऐसे उठाएगा, ऐसे काउंट करेगा। ये उठेगा से ऐसे उठाएगा, इस तरह से काउंट करेगा। ये उठेगा से इस प्रकार से काउंट करेगा, चला गया इधर ऐसे से घूम गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, सजाया था इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। बोलिए क्या समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ गया। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा निरूपित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। और इसको सजाया था सबसे पहले कौन? लुईस पाश्चर ने, इसलिए इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता। हो जाता है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो यहाँ पे ये एक पीस कार्बन है, इसलिए इसको मेथेन, ये मेथेन है, एथेन है और ये ब्यूटेन है ना। इसका नाम हम लोग आगे अच्छा से पढ़ेंगे कि इसको मेथेन है, इसको एथेन और इसको ब्यूटेन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, नाम याद रखने का ट्रिक आप लोगों को देंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा ना। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात गौर की कि ये कार्बन यहाँ एक पीस है, यहाँ 2 पीस है, यहाँ पर 4 पीस है, 6 पीस है, 12 पीस, 50 पीस, 60 पीस, बहुत सारे यहाँ पे कार्बन जो होता है इस तरह श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। तो कार्बन जो होता है आपस में जुड़ने वाले जो होता है श्रृंखला बना के इस तरह से जुड़ते जाता है। जैसे सिकड़ी आप लोग जोड़ते हैं ना, जैसे सिकड़ी को जोड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ। तो यहाँ कार्बन में एक विशेष प्रकार की लक्षण है, गुण है, जो अपने कार्बन को श्रृंखलाबद्ध जोड़ जोड़ करके नए नए यौगिक का निर्माण करता रहता है। तो इस गुण को कार्बन का श्रृंखला गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन जो होते हैं श्रृंखला बना करके नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन श्रृंखला में जुड़ करके, श्रृंखला बना करके नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अभी यहाँ पर 4-5 पीस है, 6 पीस है, 7 पीस, 8 पीस, 9 पीस, 10 पीस, कुछ भी ले सकते हैं। समझमाया? तो कार्बन कभी नाम नहीं लिया कि हम रुक जाएंगे, जितना बार जोड़ना चाहो उतना बार जुड़ते जाएगा। समझ में आया ना? इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं?
श्रृंखलन गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है संरचना सूत्र है, क्या हम लोग को पढ़ना है संरचना। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यहाँ पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हम, दो दो इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है ना। सिर्फ क्या है यहाँ पर साझेदारी दिखाना है बिंदु द्वारा, साझेदारी क्या दिखाना है बिंदु द्वारा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रहता C2H4 यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो पीस कार्बन है लेकिन यहाँ पर छह पीस अब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कितने पीस है चार पीस है, इसको ऐसे सजा देंगे दो पीस कार्बन हो गया, यहाँ पर एक इधर हाइड्रोजन जुटेगा, एक इधर जुटेगा, एक इधर जुटेगा, ऐसा करेंगे तो तीन गो ही लेगा, तीन गो लेगा छह गो हो जाएगा। तो हमको क्या करना है दो ही ना जोड़ना है इसमें, दो इसमें जोड़ेंगे दो 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 चार तो होगा शिफ्ट। अब समझिएगा आप लोग अच्छे से, इसको नीचे देते हैं, इस तरह से हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो अब क्या है कि कार्बन के कितने बंधन होने चाहिए, आठ गो अष्टक पूरा होना चाहिए ना, यहाँ पर अष्टक पूरा होना चाहिए ना दोनों का, थोड़ा बहुत नीचे लिख दिए जी। तो यहाँ पर देखिए दो दो चार को तो हो गया, यहाँ पर दो गो ई रहेगा और दो गो इसका रहेगा, तो चार दो छ दो आठ होने गया, चार दो छ दो आठ होने गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बंधन बन रहा है दो दो इलेक्ट्रॉनों का सह संयोजन बंधन बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का दो दो इलेक्ट्रॉनों का सह संयोजक बंधन बन रहा है ना बाबू। तो ये हो गया आपका द्विक सह संयोजक बंधन, अभी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु का दिखा रहे हैं हम लोग, ये हुआ लूज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संरचना सूत्र क्या है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे कि जो बिंदु द्वारा दिखाया गया है वो लाइन के द्वारा दिखा देंगे। हम आप लोगों को बताया था कि एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन, दो लाइन में चार इलेक्ट्रॉन और छह लाइन खींचा हुआ रहेगा, तीन वो लाइन खींचा हुआ रहेगा तो छह इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लेगा इसी को दर्शाना है तो कैसे करेंगे हम लोग, सी लेंगे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस तरह जुड़ गया। तो ये आपका हो गया संरचना सूत्र, क्या हो गया कोई दिक्कत, यही क्या हो गया आप लोग को। अब इसको करना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक पीस इधर दो पीस कार्बन ना, हाइड्रोजन इधर जुटा, हाइड्रोजन इधर जुटा, हाइड्रोजन इस प्रकार जुटा है। ये आपका हो गया संरचना सूत्र, बोलिए कोई दिक्कत है। अगर संरचना सूत्र लिखना है तो यूरा दिखाएगा इसे CH4, ये दिखाएगा देखिए CH3 CH3, समझ में आ गया ना। देखिए CH3 इधर है बंधन है, ये भी CH3 है, कोई दिक्कत। अब इसको दिखाना है या इसको दिखा देते हैं पहले ना, तो CH डायरेक्ट लिख दे क्या है ना, पहले सजा के लिखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर है ये वाला, बस यही हो गया आपका संरचना सूत्र, बोलिए कोई दिक्कत है। एक दो तीन चार था तो एक दो तीन चार ले लिए हो गया। अब इसको यदि और अच्छा से लिखना है तो क्या कीजिए, सूत्र के द्वारा CH3 यहाँ पे CH2 है, CH2 है दो पीस ना जी, CH3 है, इस संरचना सूत्र हो गया, बोले कोई दिक्कत। इस प्रकार से दिखाना है क्या करना, संरचना सूत्र है, और इस प्रकार से दिखाना है लूज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, कोई दिक्कत। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अब देख लीजिए थोड़ा ये छूट गया था, अगर इसको भी दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, सी डबल बॉन्ड हो गई, फिर सी हो गया इस प्रकार से जुड़ेगा, इस प्रकार क्या होगा आपका क्या हो गया। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग त्रिविमीय सूत्र देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी का त्रिविमीय सूत्र निकाल के दिखाते हैं आप लोग, इसको क्लीन कर देना। हाँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे CH4 का त्रिविमीय संरचना सूत्र क्या होता है,
CH4 का त्रिविमीय संरचना सूत्र, यानी इसमें तीन गो बीमा दिखाई देता है, कितने बीमा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिविमीय संरचना सूत्र, त्रिविमीय संरचना। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन जुटेगा, एगो इस प्रकार से हाइड्रोजन जुटेगा, समझ में आया। अब देखिए एगो यहाँ पर आता है इस प्रकार से कार्बन जुटा हुआ, इस तरह से डॉट डॉट के माध्यम से ना हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है ये आपके कार्बन के जस्ट इसको पीछे है, क्या है, यहाँ अगर ये कार्बन है तो इसको जस्ट पीछे वाला ये वाला है डॉट डॉट दिखाई जा रहा है, यानी वो सामने से दिखने पर दिखाई, और यहाँ पर एक देखो इस प्रकार से होगा, अच्छा देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो सामने वाला है ये क्या है, ये कार्बन है, तो ये वो इधर जुटेगा, वो इधर जुटेगा, वो इधर जुटेगा, वो पीछे जुटेगा, ठीक है ना। तो एन ए वाला भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, लेकिन इसे जस्ट पीछे रहेगा तो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा जी। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर हम लोग तीनों को बीमा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिविमीय संरचना सूत्र, क्या बोलते हैं, त्रिविमीय संरचना। आगे समझ में, ये वाला हम लोग को दिखाई नहीं देता है इसलिए डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ठीक है, ये त्रिविमीय संरचना सूत्र होगा, क्लियर। इसको भी आप लोग उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आगे पढ़ना हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे ना। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग भागों में तोड़ना, अलग अलग भागों में, ये वर्गीकरण का मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करने का मतलब क्या है, कार्बन के यौगिक जो होते हैं उनको अलग अलग भागों में तोड़ करके उसको वर्णन करना, ठीक है, उसके बारे में जानना। तो देखिए हमारे पास जो है हमारे इर्द गिर्द अनगिनत मात्रा में, अनगिनत संख्या में कार्बनिक यौगिक है, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक एक जैसे नहीं होते हैं, होते हैं क्या, एक जैसे सभी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, तो सभी कार्बनिक का गुण उसका मिलता जुलता है, कुछ अलग होते हैं। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक एक जैसे गुण वाले होते हैं, बहुत जैसे कार्बनिक यौगिक अलग अलग गुण वाले जैसे होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि सभी कार्बनिक यौगिक जो एक गुण वाले, एक तरह के जो व्यवहार कर रहे थे, एक जैसा जो काम कर रहे थे, वैसे कार्बनिक यौगिक को एक वर्ग में रखा गया, जो अलग कर रहा था उसको अलग वर्ग में रखा गया, और जो अलग कर रहा था उससे भी अलग रखा गया। तो इस तरह से क्या किया, इसके अलग अलग वर्ग में बांट करके रख दिया गया, ठीक है, अलग अलग वर्गों में बांट करके रख दिया गया, समझ में आया ना। तो ये वर्गीकरण हो गया। अब इसके बारे में वर्णन करना, तो किसी एक, देखिए क्या है कि एक वो समूह में पूरा को रख दिया, जैसे मैं यहां पर है, हम लोग क्या करते हैं घर में चावल बनाते हैं, है ना, चावल सिझाते हैं ना आप लोग जी, तो चावल जब सिझाते हैं तो क्या होता है कि जब सिझने लगता है, जब अंतिम क्षण आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार कलछुल के माध्यम से चावल को दो तीन पीस निकालते हैं और उसको ऐसे मैश करके देखते हैं, मसल करके, मसलने पर अगर अच्छा से मसल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि चावल सिझ गया, बोलते हैं ना। तो क्या है कि एक चावल या दो चावल को पकड़ करके मसलते हैं, अच्छा से मसल जाता है तो बोलते हैं कि पूरा चावल सिझ गया है। ऐसा तो नहीं है कि सभी चावल को निकल करके मसल मसल के देखते हैं कि ये वाला चावल हुआ कि नहीं, ये वाला चावल हुआ कि नहीं, नीचे वाला चावल हुआ कि नहीं, ऊपर वाला चावल हुआ कि नहीं, ऐसा देखते हैं आप लोग नहीं ना। ऊपर ऊपर से चावल निकालते हैं सिझा हुआ, और उसको निकाल करके मसल के देखते हैं कि ये बढ़िया से सिझा या, अगर अच्छा से सिझा हुआ होता है तो हम लोग उसको उतार करके माड़ को बाहर कर देते हैं और बोलते हैं चावल सिझ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि एक वर्ग में जो रखा हुआ रहता है कार्बन, उस किसी भी एक कार्बन को निकाल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया जाता है, और फिर उस समूह में जितने भी कार्बन हैं सभी को बता देते कि इस प्रकार के ये यौगिक हैं।
जो पहला काम किया या दूसरा काम किया उसी प्रकार सभी काम करेंगे। जिस तरह चावल निकाले देखते हैं कि सभी चावल पक गए हैं, है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी कार्बनिक जो वर्ग में रखा हुआ है वर्ग में से एक को निकाले और सभी के बारे में बता दे कि इस प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक है। समझ में ना नहीं है? इसे तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना? यहाँ पर क्या है कि सभी छात्र अलग अलग ग्रुप में भी हो जाते हैं। कोई कहता है कि हम बहुत तेज है तो तेज वाला को एक श्रेणी में रख दिए, थोड़ा सा मध्यम है उसको एक श्रेणी में रख दिए, बिल्कुल कमजोर उसको एक श्रेणी में रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जाएगा कि आप छात्रों को कितने समूह में बांटे हैं, तो हम बोलेंगे तीन समूह में बांट दिए। एक जो बहुत तेज है वो अलग है, एक जो मध्यम है वो अलग है, और जो कमजोर है सो अलग है। अब कोई चेकिंग में आया, चेक करने आया, और एक स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैंने दो चार क्वेश्चन पूछा और दो चार में से एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो उसको फिर पूछने की जरूरी अगला से फिर ना पूछेगा। वो ये जान रहा होगा कि ये बिल्कुल लो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ए को निकाला कार्बन को, कार्बनिक यौगिक को, उसके बारे में अध्ययन किया, अध्ययन करके बता दिया कि इस प्रकार की ये कार्बनिक जितना भी है श्रेणी में ये इस प्रकार का है। अब आया दूसरा मध्यम वर्ग के छात्रों पास, जो मध्यम में थे, मध्यम दिमाग के थे, उनके पास आया तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे, दो चार क्वेश्चन बताए और दो तीन और क्वेश्चन नहीं भी बताए, छह सात क्वेश्चन हुआ था, उनमें दो चार क्वेश्चन का जवाब दिए, दो तीन क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। तो ऐसे स्थिति में उनको क्या बताना पड़ेगा? ये जो है इससे थोड़ा मध्यम वर्ग वाले हैं, कहने का मतलब है जिनको कम बुझाता है, थोड़ा बहुत बुझाता है वो वाला है, नहीं वो खुद समझ जाएंगे, और जो सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया वो खुद समझेंगे, सभी में टैलेंटेड लोग बैठे हुए होंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से कार्बनिक को अलग अलग कार्बनिक यौगिक अलग अलग वर्ग में बांटा गया, जिसमें किसी भी एक कार्बनिक यौगिक निकालो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ तो बोले कि जितना भी इसमें है सब एक जैसा है, ये इस प्रकार का है। समझ में कोई दिक्कत है? आगे समझ में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्गीकरण कर देने से पढ़ने में जानने में सुविधा होती है। अब क्या है कि हमारे पास अनगिनत संख्या में कार्बनिक यौगिक है, तो सबको अगर बारी बारी से पढ़ते जाए हम लोग तो हमारा लाभ खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बनिक यौगिक खत्म। तो क्या हुआ कि अगर एक वर्ग में है तो एक वर्ग में लाखों है, तो ए को पढ़ लिया तो लाखों के बारे में जान लगे, अगर ए को पढ़ लिए तो लाखों कार्बनिक यौगिक के बारे में जान गए कि ये इस प्रकार का है ना। तो उस तरह से क्या हुआ, अब लाखों को पढ़ना होता तो कितना भार पड़ता, ए को पढ़ करके हम लाखों को बता दिए कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, लेकिन अगर लाखों को बारी बारी से पढ़ना होता तो टफ काम था या नहीं था? हाँ। तो इसी टफ काम को आसान बनाने के लिए से वर्गीकरण किया गया था, और वर्गीकरण करके अलग अलग गुण वालों को अलग अलग श्रेणी में रख दिया गया, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ए को निकालो फिर सबके बता दो कि इस गुण वाले कार्बनिक यौगिक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो कार्बनिक यौगिक के बारे में आप लक्षण जानिए, है ना, कार्बनिक यौगिक क्या होता है इसको हम लोग, कार्बनिक यौगिक मतलब क्या, जो कार्बन से बना हुआ यौगिक है, उन यौगिकों को हम लोग क्या किए, अलग अलग समूह में अलग अलग वर्ग में बांट दिए, यही ना काम किए थे। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।